प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का सिलसिला जारी है। दाखिला पीएमडीसी की सेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। पंजाब के 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 12 डेंटल कॉलेजेस में दाखिला होगा। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं बिलाल चौधरी से। जी बिलाल चौधरी। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत पंजाब के मुख्तलिफ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का सिलसिला है वो जारी है। और पंजाब के प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज जो है वो पीएमडीसी की सेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत इनमें दाखिले जो है वो किए जा रहे हैं। और 24 नवंबर से जो दाखिला फॉर्म है इनका आगाज़ जो है वो कर दिया गया है, जो कि 1 नवंबर तक जो है वो जारी रहेगा। इसमें इसकी जो पहली मेरिट लिस्ट है ये 16 नवंबर को लगाई जाएगी, जबकि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है ये 30 नवंबर को लगाई जाएगी, जबकि क्लासेस का आगाज़ जो है ये 26 नवंबर को कर दिया जाएगा, जबकि डेंटल कॉलेज में का क्लास का आगाज़ जो है वो दिसंबर के 10 दिसंबर से जो है वो शुरू किया जाएगा। इसमें खास वो स्टूडेंट जिनके नंबर 60% से कम है वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं होंगे। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट में 60% से ज़ायद है वो दरख्वास्त देने के अहल हैं। उसके साथ साथ पंजाब के अलावा जो दूसरे सूबे से भी स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 60% से ज़्यादा है, वो एंटी टेस्ट उनका क्लियर है, वो भी इसमें दरख्वास्त देने के अहल होंगे। पंजाब इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत जो है ये तमाम एक सेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत जो है वो दाखिला जमा किए जाएंगे और इसकी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू ही इनकी जो है वो मेरिट लिस्ट।